प्रदेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में अचानक डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ आर्थिक राजधानी इंदौर में डेंगू के कई मरीज सामने आने के बाद अब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी किया है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को इंदौर में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर डेंगू और मलेरिया की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से रूबरू होते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि प्रदेश के अस्पतालों के हालात खराब हैं। कई अस्पतालों में फैली गंदगी मरीजों को ज्यादा बीमार बना रही है। मंत्री सिलावट ने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए अस्पतालों की सफाई व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब सरकारी अस्पतालों को गंदगी की समस्या से मुक्त कराने के लिए नगर निगम की मदद ली जाएगी, जल जमाव रोकने और फॉगिंग की व्यवस्था बढ़ाने को लेकर निगम आयुक्त को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। बकौल मंत्री सिलावट, प्रदेश को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनता के स्वास्थ्य हित में केंद्र सरकार कोई सकारात्मक प्रयास कर रही है तो प्रदेश में भी उस प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं राइट टू हेल्थ स्कीम के तहत बीमारियों से लोगों को बचाने और जल्द ही प्रदेश के कुछ शहरों में संजीवनी केंद्रों की सौगात मिलने की बात भी मंत्री सिलावट ने कही। हालांकि उन्होंने कहा कि इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा जैसे शहरों में संजीवनी केंद्रों की सफलता के बाद ही पूरे प्रदेश में योजना को लागू किया जाएगा। जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, होर्डिंग लगाओ और दौरे करो। कमिश्नर से कल मैं बात कर रहा हूँ सुबह 7 बजे, और क्योंकि नगर निगम का बहुत बड़ा रोल इसमें होगा, गंदगी सबसे बड़ा रोल, पानी भर जाना सबसे बड़ा रोल, एक जो तालाब है, गंदी बस्तियां हैं, श्रम विभाग श्रम बस्तियां हैं, इसमें साफ सफाई की भी हम उनको कमिश्नर को निर्देश देंगे। और जो पहले मलेरिया को छीटने की धब्बू आती थी गाड़ियाँ, उस मशीन की भी कमी है, उसकी भी कमी है, उसकी पर्याप्त संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर मलेरिया मुक्त, डेंगू मुक्त कैसे करें, ये गंभीर मसला। प्रदेश के लोगों से क्या अपील करेंगे? डेंगू साफ पानी में फैलता है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा, इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बैठक ले रहा हूँ। डेंगू नंबर 1, मलेरिया नंबर 2, नंबर 3 चिकनगुनिया, चौथा साइनी। इस पे स्वास्थ्य विभाग सजग है, गंभीर है, और गंभीरता से सभी अधिकारियों को मैं निर्देश दे